बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइट संश्लेषण पर एक प्रश्न करते हैं। उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या समझा। हमने देखा कि हमारे पास एक थैलीमाइट होता है और उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास क्षार होगा जो अम्लीय हाइड्रोजन को निकालेगा। उसके बाद यहाँ पर SN2 की अभिक्रिया होती है। इसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर SN2 की अभिक्रिया के बाद यहाँ OH- आक्रमण करता है कार्बोनिल ग्रुप पर और हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वह होता है 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, इस बात को याद रखना है कि गैब्रियल थैलीमाइट सिंथेसिस में जो प्रोडक्ट आता है वह 1 डिग्री अमाइन होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड गैब्रियल सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है हमारा अभिकारक और यहाँ पे RX। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो RX है ये कैसा होना चाहिए, यह होना चाहिए 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए वह 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा, ये NCERT में भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट हमारा प्राथमिक अमीन होना चाहिए। प्राथमिक अमीन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 2 डिग्री है, ये इसे 1 डिग्री बोल सकते हैं, इसे भी 1 डिग्री बोल सकते हैं, पर ये हमारा क्या देगा, ये हमें देगा 3 डिग्री। तो ऑप्शन डी एक उचित अभिकारक नहीं है और ये सिंगल वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 1 डिग्री तो होगा ही, फिक्स है। 2 डिग्री भी बन सकता है लेकिन 3 डिग्री कभी नहीं होगा। 3 डिग्री गैब्रियल सिंथेसिस में प्रोडक्ट कभी नहीं आता है। थैंक यू सो मच।